गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फोर्थ ईयर का यूनिट सिक्स का टॉपिक है नेशनल ARI कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, जिसको कि अपन ARI मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, ऐसे इन्फेक्शन जो कि अचानक से आ जाते हैं। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब अगर देखते हैं, जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो काफ़ी साल पहले लॉन्च हुआ है, 1990 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये टाइम ऐसा था जब हमारे यहाँ इंडिया में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा था, है ना। पर 1000 लाइव बर्थ में मोर देन 100 बच्चों का डेथ हो जाता था, और इसमें से कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनका बर्थ डेथ जो है वो बर्थ के फर्स्ट मंथ में ही हो जाता था। ठीक है, तो ऐसे बच्चों का नंबर ज़्यादा था, और इसमें भी सबसे ज़्यादा केसेस जो देखने को मिलता था वो ये था कि उनका जो डेथ हो रहा था वो सबसे ज़्यादा निमोनिया के कारण से हो रहा था, जो कि जिसको कि अपन लोग एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैटेगरी में लाते हैं। ठीक है, कई बार निमोनिया इतना सिंपल होता है कि उसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन हेल्थ सर्विसेज बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं थी विलेज लेवल पर, PSC CSC लेवल पर, तो इस कारण से उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था और वो डायग्नोज भी नहीं हो पाता था, और उन लोग लिमिटेड ट्रीटमेंट करा के बच्चों का केसेस को क्रॉनिक कंडीशन में ला देते थे। ठीक है, और बाद में निमोनिया डेवलप हो जाएगा, फिर बाद में रेस्पिरेटरी या कार्डियक अरेस्ट आके बच्चे का डेथ हो जाता था। इस कारण से जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1990 में नेशनल ARI कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। द ARI कंट्रोल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1990। ठीक है, 1990 में चालू किया गया था। इट्स सॉट टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक प्रोटोकॉल फॉर केस मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया विथ कोट्रिमेक्सोल। ठीक है, तो क्या है, एक बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट था इसका निमोनिया का, कोट्रिमेक्सोल अगर अपन देते हैं तो उसको एक प्रोटोकॉल के तरीके से यूज़ किया जाएगा। कोई भी बच्चा ARI कंट्रोल ARI से प्रॉब्लम है उसको, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसको, तो हम लोग एक प्रोटोकॉल के तरीके से कोई और मेडिसिन यूज़ ना करके हम लोग कोट्रिमेक्सोल को यूज़ किया जाए ताकि निमोनिया को ट्रीट किया जा सके। ठीक है, इनिशियली 14 पायलट डिस्ट्रिक्ट्स वेर सेलेक्टेड एंड लेटर ऑन न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वेर इंक्लूडेड। ठीक है, शुरुआत में क्या है, केवल 14 डिस्ट्रिक्ट को पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च किया गया था ताकि देखा जा सके कि प्रोग्राम में क्या कमी घटी रह जाती है, जो उसको क्लियर करके बाकी पूरे इंडिया में इसको लॉन्च किया जाए। तो बाद में इसको पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, अ रिव्यू ऑफ द हेल्थ फैसिलिटी डन इन 1992। ठीक है, एक रिव्यू किया गया 1992 में, रिवील दैट ऑल्दो 87% ऑफ पर्सनल वेयर ट्रेंड एंड द ड्रग सप्लाई वॉज रेगुलर, येट देयर वेयर प्रॉब्लम इन करेक्ट केस क्लासिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट। उस समय देखा गया कि बहुत सारे पर्सनल, जो 87% पर्सनल हैं, जो हमारे हेल्थ पर्सनल हैं, वो लोग ट्रेंड हैं और ड्रग सप्लाई भी प्रॉपर मिल रही है, लेकिन फिर भी क्या है, प्रॉपर केस का क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। कभी कभी अपन मेजर उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसको हम लोग मान लेते हैं निमोनिया है। ठीक है, नॉर्मल से सर्दी खांसी है उसको भी अपन निमोनिया, तो इसका क्लासिफिकेशन वो हेल्थ वर्कर करने के कैपेबल नहीं थे। ठीक है, तो और उसका ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब से चेंज हो सकता था। देन नेक्स्ट है, सिंस 1992 द प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ CSSM एंड लेटर विथ RCH। ठीक है, जो CSSM है इसको अपन जानते हैं, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। ठीक है, बाद में जो ARI का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों में था, ठीक है, तो ARI कंट्रोल प्रोग्राम के अलावा एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसको कि ARI प्रोग्राम में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ARI प्रोग्राम को CSSM में मर्ज कर दिया गया, फिर बाद में इस CSSM प्रोग्राम को RCH में मर्ज कर दिया गया, और RCH आज तक चला आ रहा है। ठीक है, कोट्रिमेक्सोल टैबलेट आर सप्लाइड एज अ पार्ट ऑफ ड्रग किट फॉर द यूज़ बाई डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्कर फॉर मैनेजिंग केस ऑफ निमोनिया। ठीक है, थोड़ा सा ड्रग में चेंज कर दिया गया, कोट्रिमेक्सोल टैबलेट सप्लाई कर दिया गया ड्रग किट में, ताकि जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, ऑफ वर्कर्स फॉर मैनेजिंग केसेस ऑफ निमोनिया, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज हैं वर्कर के, कोई ANM नर्स है, कोई स्टाफ नर्स है, ठीक है, या कोई फील्ड वर्कर है, या लेडी हेल्थ विजिटर है, तो अलग अलग विलेज में पोस्ट हैं, तो उन सभी को अलग अलग ट्रेन करने के बजाय एक ही ड्रग क्लास दिया गया, ताकि सभी जितने भी ARI के केसेस हैं उनको इससे ट्रीट किया जा सके।
अंडर RCS 2 एक्टिविटीज आर प्रपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन एन इंटीग्रेटेड वे विथ अदर चाइल्ड हेल्थ इंटरवेंशंस। ठीक है, बाद में RCS जो RCS 2 आया, ठीक है, RCS 1 बहुत लंबा नहीं चला लेकिन RCS 2 बहुत लंबा चल रहा है, अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में काफ़ी सारी चीज़ों को और मर्ज किया गया था, ठीक है, ताकि बच्चों के हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, इसमें अपन देख रहे हैं ARI प्रोग्राम, लेकिन उसमें जब RCS 2 आया तो इसमें इम्यूनाइजेशन भी इंक्लूड किया गया, हाइजीन भी इंक्लूड किया गया, डायरिया भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे, लो बर्थ वेट भी इंक्लूड किया गया, काफ़ी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी थे, इवन मदर्स के लिए भी RCS प्रोग्राम लॉन्च किया गया। पहले का जो ARI प्रोग्राम तो केवल बच्चों के लिए था, लेकिन जब RCS 2 आया तो वो मदर्स के लिए भी आया, RCS 1 और RCS 2 दोनों मदर्स के लिए भी आया, बेबी के लिए भी आया। ठीक है, सिंस 1992 द प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ CSSM चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम एंड लेटर विथ RCS रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, शुरुआत में CSSM में हुआ, फिर बाद में RCS में हुआ। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस, जिसको अपन IMNCI के नाम से पॉपुलरली जानते हैं, ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ चाइल्डहुड इलनेसेस। ठीक है, बाद में क्या हुआ, IMNCI प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, एक स्ट्रेटजी है एक्चुअली IMNCI, जिसमें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, ठीक है, ट्रीटमेंट का, खासतौर पे कॉमन ट्रीटमेंट जो कि बच्चों में होते हैं, जैसे कि सेप्सिस है, मीजल्स है, मलेरिया है, डायरिया है, निमोनिया है एंड माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो IMNCI को काफ़ी रिफाइंड और काफ़ी प्रायोरिटी बेस्ड स्कीम माना जाता है या इंटरवेंशन माना जाता है चाइल्ड हेल्थ को डील करने में। ठीक है, तो अपन देखेंगे CSSM, ठीक है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। द CSSM प्रोग्राम अटेम्प्ट टू डिलीवर द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एज अ पैकेज प्रोग्राम कंसिडरिंग द टोटल नीड्स ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, तो जो CSSM है ये ऐसे पैकेज प्रोग्राम था जो कि टोटल नीड्स, मदर और बेबी का टोटल नीड्स को, जो भी हेल्थ इलनेसेस में है उसको डील करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। द प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1991 इन 100 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री कवरिंग द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो शुरुआत के केवल इन 4 स्टेट में ही चालू किया गया था, उसके भी सिर्फ 100 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 1991 में। उस समय इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी टू लेस देन 2, इन्फेंट मॉर्टेलिटी लेस देन 50 पर 1000 लाइव बर्थ एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी 1 to 4 ईयर के बच्चों के बीच में बिलो 10 बाय 2000 AD। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव उस समय सेट किए गए थे, ये सारे ऑब्जेक्टिव आज के डेट में अगर हम कंपेयर करें तो ये अचीव कर लिए गए हैं। ठीक है, देन है, दिस इज टू बी अचीव्ड थ्रू इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ MCH सर्विसेज एट विलेज, सब सेंटर, PSC, CSC, सारे लेवल। ठीक है, तो ये सारे टारगेट को कैसे अचीव किया गया, इम्प्रूव कर दिया गया MCH सर्विसेज का असेस को, कहाँ पर, सब सेंटर्स में भी, PSC में भी, CSC में भी। ठीक है, इम्प्रूविंग द असेस टू MCH सर्विसेज एट विलेज एंड सब सेंटर लेवल, फोकसिंग ऑन हाई IMR डिस्ट्रिक्ट एंड इम्प्रूवमेंट इन सपोर्ट सिस्टम सच एज ट्रेनिंग, सप्लाई, कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट कैसे सर्विसेज में इंक्लूड किया गया, बढ़ाया गया, खास तौर पर IMR डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे बस्तर के सारे डिस्ट्रिक्ट में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, इसीलिए अभी आप देखते होंगे कि किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पर एक नया प्रपोजल गया हुआ है कि अलग से मैटरनिटी, चाइल्ड एंड मैटरनिटी वार्ड बनेगा। ठीक है, जिसमें कि खास तौर पर जो IMNCI के गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली नियोनेटल ICU ये सब की फैसिलिटी भी वहाँ पर होनी है। अभी आप रिसेंटली देखोगे कि महारानी हॉस्पिटल में अभी लास्ट जुलाई में ही एक हॉस्पिटल इनॉग्रेट हुआ है 100 बेड का, जिसमें कि
खास तौर पर वो MCH सर्विसेज के लिए लाया गया है जो कि RCS2 प्रोग्राम के अंदर में लाया गया है, ठीक है। और ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट में भी, कोंडागांव में भी अपन देखते हैं, वहाँ पर भी ऐसे अलग से हॉस्पिटल बनाया गया है। देन है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। जो स्पेसिफिक तौर पर ऑब्जेक्टिव उस समय रखा गया था प्रोग्राम में, वो क्या क्या था। फर्स्ट, टू रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट फ्रॉम 80 to 75 बाई 1995 एंड टू 50 बाई 2000 AD, ठीक है। तो ये गोल भी अचीव कर लिया गया है। हमारा जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम आ चुका है, छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही ज़्यादा कम आ चुका है। यहाँ पर जो पर 1000 लाइव बर्थ में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 26 है, तो जो टारगेट रखा गया था उससे काफ़ी कम है, ठीक है। देन टू रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट फ्रॉम 41.2 to 10, ठीक है। तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी है जो 1 से 4 साल के बच्चों का किसी न किसी कारण से मॉर्टेलिटी हो जाता था, इसमें 3 बेसिक कारण थे, निमोनिया, माल न्यूट्रिशन और डायरिया, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डेथ होता था इस एज में बच्चों का इन्हीं एज में होता था, ठीक है। तो इसको भी टारगेट को अचीव कर लिया गया है। देन है थर्ड, टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट फ्रॉम 5 to 2 per 1000 लाइव बर्थ, इसको भी अचीव कर लिया गया, इसको 1 तक ले आया गया है। बाद में इसका टारगेट को भी कर लिया जाएगा 1 तक में, ठीक है। मतलब जितने भी मैटरनल बर्थ हुए हैं, ठीक है, तो ऐसी प्रेग्नेंट जो महिलाओं का डिलीवरी हुआ है उनका जो डेथ रेट है उसको क्या कर देना है, 5 से रिड्यूस करके 2 तक ला देना है, ठीक है, पर 1000 लाइव बर्थ में। फोर्थ, टू अचीव पोलियो इरेडिकेशन बाय 2000 AD, ठीक है। तो पोलियो इरेडिकेशन हमारे यहाँ इंडिया में 2014 में हम लोग अचीव कर पाए। देन है फिफ्थ, टू एलिमिनेट नियोफेटल टेटनस बाय 1995। नियोफेटल टेटनस को भी हम लोग अचीव कर पाए हैं क्योंकि 100% प्रेग्नेंट लेडीज़ का इम्यूनाइजेशन अश्योर किया गया है, ठीक है। देन है सिक्स्थ, टू प्रिवेंट 95% मीजल डेथ एंड 90% केसेस ऑफ मीजल्स बाय 1995, ठीक है। तो ये भी हम लोग अचीव अच्छे तरीके से कर लिए हैं। सेवन, टू इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ 70% डायरियल डेथ एंड रिड्यूस डायरियल केसेस बाय 25%, इसको भी हम अचीव कर लिए गए हैं। डायरिया का मैनेजमेंट पहले से की अपेक्षा अब रूरल एरिया में बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रोटोकॉल मैनेजमेंट चल रहा है। इवन जो मितानिन हैं, आशा वर्कर हैं, उन लोग को भी बहुत अच्छे तरीके से इसको ट्रेन किया गया है। मदर्स को भी ट्रेन किया गया है, आंगनवाड़ी वर्कर को भी ट्रेन किया गया है, जिसके कारण से हम लोग इस टारगेट को अचीव कर पाए हैं। एट्थ, टू प्रिवेंट 40% डेथ ड्यू टू एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। जो ARI के कारण से डेथ हो रहे थे उसको 40% तक क्या कर देना है, कम कर देना है, ठीक है। तो पहले के समय पर मदर्स को ज़्यादा हाइजीन के बारे में पता नहीं था, है ना, और कंगारू मदर केयर के बारे में पता नहीं था, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पता नहीं था, फिर बच्चे को थर्मल प्रोटेक्शन के बारे में पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब हेल्थ वर्कर को इसके बारे में एजुकेट किया गया, आंगनवाड़ी वर्कर को एजुकेट किया गया, तो उन लोग ये सारी जानकारियाँ मदर्स को दिए, ठीक है। ARI का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम लोग उनको कोल्ड एनवायरनमेंट में ज़्यादा एक्सपोज कर देते हैं बच्चों को, सबसे बड़ा कारण इसका यही रहता है। और इन्फेक्शन तो दूसरा कारण रहता है, और दूसरा माल न्यूट्रिशन। तो ये सब चीज़ों को जब ट्रीट किया गया तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ARI का नंबर है वो रिड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, नेशनल ARI कंट्रोल प्रोग्राम। मैं सोचता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू।